हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता। दिस इज चीफ इंजीनियर प्रणीत मेहता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोचन एवी डिकोडेड। मेरे साथ है डॉक्टर सूरज राणा, जो कि अपोलो क्लिनिक देहरादून में डीडी शिपिंग अपोलो डॉक्टर हैं। एंड आज का वीडियो इज ऑन स्पॉन्डिलाइटिस। सर द क्वेश्चन है, सर एक बच्चे ने बोला, सर आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ स्पॉन्डिलाइटिस, अगेन अ सब्जेक्टिव वर्ड, सो कैन आई जॉइन मोचन एवी? तो सर स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, देन वील टॉक अबाउट वेदर अ पर्सन इज फिट ऑन। स्पॉन्डिलाइटिस इज बेसिकली रिलेटेड टू योर स्पाइन, स्पाइन की प्रॉब्लम है। तो स्पाइन में जो है, आप अच्छी तरह से जानते हो कि स्पाइन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड जाता है, जैसे वर्टिब्रल कॉलम, उसके थ्रू जाए स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स रहती हैं। तो स्पॉन्डिलाइटिस में आपका कर्वेचर जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। ओके सर। कहीं कॉन्केविटी होती है, किसी जगह कॉन्वेक्सिटी होती है, तो वो कर्वेचर जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसकी वजह से जो है आपकी नर्व्स में दबाव पड़ता है, पेनफुल कंडीशन हो सकती है सर्वाइकल, उसमें तो आपको जो है कई बार प्रॉब्लम विद बैलेंस हो सकता है, चक्कर खा के गिरने का सीन हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे ब्रेन स्टेम होता है आपके सर्वाइकल रीजन में जी। और ब्रेन स्टेम में अगर दबाव पड़े तो वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट वाइटल सेंटर्स होते हैं ब्रेन स्टेम के अंदर, लाइक आपका जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है सेंटर्स, आपके वॉमिटिंग से रिलेटेड सेंटर्स हैं, आपको बैलेंस रखने वाले जो सेंटर्स हैं, तो उनमें अगर प्रॉब्लम है तो डेट हैज़ टू बी ट्रीटेड अप्रोप्रिएटली। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो एक्सटेंट कितना है, स्पॉन्डिलाइटिस कितना है, और स्पॉन्डिलाइटिस में आपको सिम्टम्स कौन कौन से हो रहे हैं, तो डैट विल बी अगेन असेस्ड बाय द पैनल ऑफ डॉक्टर्स। आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजा जा सकता है, न्यूरोसर्जन के पास भेजा जा सकता है, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास भेजा जा सकता है। तो वो एग्जामिन करके पता लाएंगे कि आपका स्पॉन्डिलाइटिस किस हद तक है, और फिर डिसीजन लिया जाएगा। अदरवाइज क्योंकि स्पॉन्डिलाइटिस इज़ अ वेरी सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम, मतलब उसमें आपको पेन होगा, आप अपने पॉस्चर को जो है सही नहीं रख पाओगे, और आप जो है यू विल नॉट बी एबल टू वर्क योर रूटीन वर्क प्रॉपरली। तो उस कंडीशन में जो है शिप में जाना इज नॉट पॉसिबल, मतलब यू विल नॉट बी अलाउड टू गो अनलेस एंड अंटिल इट इज ट्रीटेड प्रॉपरली और यू आर सिम्टम फ्री, देन ओनली इट विल बी पॉसिबल। सो आई होप गाइज द आंसर इज क्लियर। अगर स्पॉन्डिलाइटिस है तो प्लीज़ जाइए, उसका इलाज कीजिए, उसको ठीक कीजिए, और तब मोर्चन एवी के बारे में सोचिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।